चांद केस में रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता शुरू हो चुका है और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाने की बात कही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी सीबीआई समन भेजने वाली है। जल्द ही ईमेल या पोस्ट के जरिए इन समन्स को रिसीव कराया जाएगा। एक तरफ रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत के स्टाफ नीरज और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से आज भी पूछताछ हो रही है। सीबीआई की एक टीम आज मुंबई के उस वाटर रिजॉर्ट पर भी पहुंची है जहां पर सुशांत को स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए रिया चक्रवर्ती लेकर गई थी। तो कुल मिलाकर आज दिन भर एक बार फिर हलचलों का दौर रहेगा और हम आपके सामने सभी खबरें प्रस्तुत करते रहेंगे। ये तीन तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। वाटरस्टोन रिजॉर्ट पर पहुंचे हैं सीबीआई के अधिकारी, वहां पर पूछताछ और जांच करेंगे कि आखिरकार स्पिरिचुअल हीलर के साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो बातचीत हुई थी वो क्या थी और उसके साथ साथ आगे की बात और तफ्तीश भी होगी। और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को भी समन मिल ही जाएगा। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आज चौथे दिन रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन भेजा जा रहा है। सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश, इन दोनों से पूछताछ आज भी चल रही है। कुक नीरज और उसके साथ साथ रजत मेवाती जो कि अकाउंट्स देखा करता था उससे भी आज पूछताछ होगी। इसके साथ साथ संदीप श्रीधर और रितेश शाह से भी आज पूछताछ होगी। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, लगातार घटनाक्रम बदलते चले जा रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए समन सीबीआई का कहना है कि वो जारी कर चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का वकील कहते हैं अभी तक मिला नहीं है। संभव है क्या ऐसा, क्योंकि आजकल तो ईमेल के जरिए समन भेजे जाते हैं। बिल्कुल अजय जी, देखिए रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने साफ तौर पर एक प्रेस नोट जारी किया है, स्टेटमेंट जारी किया है और उनका कहना है कि अभी तक रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार को जो सीबीआई का जो समन्स है वो मिला नहीं है और जैसे ही मिलेगा वो जैसे मुंबई पुलिस को उन्होंने सपोर्ट किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सपोर्ट किया, वो हर जाँच एजेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सतीश माने शिंदे जी का कहना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं उनका कहना है कि समन भेजा जा चुका है, रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को किसी भी वक्त पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है डीआरडीओ के ऑफिस दफ्तर में या फिर किसी ऐसी जगह पर जो सीबीआई जहां पर जो है इन्हें बुलाकर पूछताछ करना चाहती है। तो हमारी जानकारी है किसी अनजान जगह पे ही ये पूछताछ की जाएगी क्योंकि मीडिया का ग्लेयर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और यही वजह है कि सीबीआई चाह रही है कि इनसे जो पूछताछ हो वो लंबी हो और अकेले किसी एकांत जगह पे हो। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं ये सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में वाटरस्टोन रिजॉर्ट है और इसी वाटरस्टोन रिजॉर्ट के अंदर जो स्पिरिचुअल गुरु मोहन जोशी हैं वो यहां पर लाए गए थे, रिया चक्रवर्ती ने बुलाया था और दो बार मोहन जोशी यहां पर आए थे, इन्होंने हीलिंग की थी, स्पिरिचुअल हीलिंग की थी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत को बीमार, मानसिक रूप से तकलीफ में और डिप्रेशन में बताया गया था और मोहन जोशी का यह दावा था कि जब वो स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं उस वक्त जो करीब 6 या 7 जो सेट होते हैं कोर्स के वो अगर कोई भी मरीज पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसको जो है उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, वो हंसने खेलने लगता है। मोहन जोशी से जब इंडिया टीवी ने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि पहले ही कोर्स में सुशांत सिंह राजपूत हंसने लग गए थे, वो हंस के खुलकर बात कर रहे थे लेकिन दूसरे कोर्स के बाद उनको उनका कोर्स बंद करा दिया गया था। तो सीबीआई अंदर ये जांच कर रही है कि यहां पर कब कब रिया और सुशांत आए थे, मोहन जोशी के अलावा और कौन स्पिरिचुअल गुरु यहां पर आए थे, कोई पंडित तांत्रिक तो नहीं आया था और क्या इसकी जानकारी रिजॉर्ट के लोगों को थी। अजय, बिल्कुल हमारे साथ जोयता, नम्रता और उसके साथ साथ अभय भी जुड़ चुके हैं और हम पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभय, पिछले 3 दिनों की पूछताछ और आज की पूछताछ के आधार पर क्या अब सीबीआई के पास इतने सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी कि रिया चक्रवर्ती से एक लंबी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बयानों में और उसके साथ साथ कई बातें जो बाहर निकल कर आ रही हैं उसमें विरोधाभास बहुत ज्यादा है। अभय, क्या आप हमारे साथ हैं इस वक्त? बिल्कुल अजय जी, आपने मुझसे सवाल पूछा है। जी, मैंने ये पूछा आपसे कि क्या पिछले 3 दिनों के पूछताछ और उसके साथ साथ आज की पूछताछ के आधार पर रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी होगी सीबीआई के पास कि अब जबकि पूछताछ होगी तो रिया चक्रवर्ती के लिए आसानी नहीं होगी, क्योंकि विरोधाभास बहुत ज्यादा रिया चक्रवर्ती के बयानों और जो तमाम जानकारी आ रही है उसमें है। इस विरोधाभास को क्या वाकई में सीबीआई पकड़ पाएगी?
देखिए बिल्कुल तैयारी तो अजय जी इसी बात की है, क्योंकि अभी जो पूछताछ जो बाकी लोगों से चल रही है जो उस वक्त फ्लैट में मौजूद थे, चाहे मैनेजर हो, नौकर हो या कुक हो, उनसे जो पूछताछ चल रही है, उन्होंने 8 जून के बारे में भी इन लोगों से पूछताछ की, जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट को छोड़कर चली गई थी, उसमें भी विरोधाभास निकलकर सामने आया था। किसी का कहना था कि वो यहां से निकल गई थी बैग लेके, किसी का कहना था ब्रेकअप हुआ था, झगड़ा इनका हो गया था। तो इन चीजों को लेकर भी जब इनके बयानों में इतना ज्यादा विरोधाभास है, तो इनसे पूछताछ के साथ साथ सीबीआई की एक टीम जो है वो बाकायदा एक रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों, फ्लैट को छोड़ने की कहानी, इनकी जो एक 2019 में इन्होंने कंपनी खोली थी, उस कंपनी के पीछे इनका और जो प्रोफेशनल लाइफ थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रिया चक्रवर्ती का हुआ करता था, क्योंकि संगीन आरोप लगाए हैं कि अपने परिवार से बात नहीं करने देती थी सुशांत को, जैसा कि इनके सुशांत के पिता ने आरोप लगाए हैं। तो बेहद लंबी फेरिस जो है वो तैयार है, संबंध इशू हो चुका है, बेहद जल्द संबंध रिसीव कराने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल जोयता, 8 जून की बात करें, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में तथाकथित तौर पर कहासुनी होती है, ऐसा वो खुद कहती हैं। उसके साथ साथ बाद में बयान दूसरा आता है कि वो बाहर निकल जाती हैं, सुशांत चाहते थे कि वो बाहर निकल जाएं, बाद में तरह तरह की चीज़ें, महेश भट्ट का नाम सामने आना, कुल मिलाकर ये ज़बरदस्त मिस्ट्री है। 8 जून को दरअसल हुआ क्या, ब्रेकअप था, लिव इन रिलेशनशिप में पॉज लगाया गया, या दरअसल रिया चक्रवर्ती ने साजिश के तहत घर छोड़ा? अजय, जैसा कि हमने शुरू से जो रिपोर्टिंग की है उसमें यही बात सामने आई है कि 8 तारीख को जो है ये एक बड़ा झगड़ा हुआ था रात को, जिस वक्त रिया ने पैकअप करके वो अपने घर की ओर चली गई थी। अब कोई इंसान अगर अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन जो है वो ब्लॉक करता है, ऐसे में ये तथ्य तो बिल्कुल ही गलत है कि सुशांत ने खुद उसे कहा था जाने के लिए। अगर खुद कहा था तो रिया उसका कॉल क्यों ब्लॉक करेगी? तो झगड़ा हुआ था उस रात, ये जो है ये बात सभी कह रहे हैं, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी उनके आसपास के लोग जो मौजूद हैं, और लगातार ये कहते आए हैं कि उन दोनों के बीच का जो संबंध था, जिसकी वजह से बहुत लोग जो है वो दूर हो गए थे परिवार से। अब जो सीबीआई की टीम यहाँ पर जांच कर रही है, जो उन लोगों से बात कर रही है जो सबसे क्लोज थे, रिया का जो पड़ाव है बहुत ही पीछे है, लास्ट पड़ाव है, तब तक जो है वो पूरा का पूरे सवालात जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर एक जो एम्प्लॉय है कुछ कह रहा है, दूसरा जो हाउस जो केयर टेकर है वो कुछ और कह रहा है, तो इन चीज़ों को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो है वो रिया तक ये पहुँचेंगे, क्योंकि वो पड़ाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मामला आखिर है क्या। पूरी देश, पूरी दुनिया जो है इस खबर पर जो है नजर लगाए हुए है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अजय, नम्रता, जो तमाम स्टाफ हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर में और उसके साथ साथ उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी, इन सबों के बयान में जो विरोधाभास है, क्या वो एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसमें ये कहा जा सकता है कि आत्महत्या की थ्योरी खुद ही तार तार कर दी है उन्हीं के स्टाफ ने जिन्होंने इस थ्योरी को सबसे ज्यादा प्रचारित किया? जी अजय जी, हमने भी सुशांत के स्टाफ नीरज से बात की थी, तो उसका यही कहना था कि रात को कोई झगड़ा नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी ने बताया सीबीआई और बाकी जो भी अधिकारी हैं उनको कि रात को झगड़ा हुआ था। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और झगड़ा हुआ था तो ये एक मेन रीज़न बन सकता है सुसाइड का। और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि रिया ने ही कहा था कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे, और रिया ने ही सुसाइड के बाद ये रीज़न सबको बताया था कि डिप्रेशन ही सुशांत के सुसाइड का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से तीन और भी प्रमुख सवाल पूछे जाने वाले, जैसे कि वाटरस्टोन होटल में वो हीलिंग का काम हीलिंग करवाती थी सुशांत सिंह राजपूत के, सुशांत के साथ वो यूरोप ट्रिप पे तो गई थी लेकिन शौविक को क्यों लेकर गई थी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये दोनों रिया और सुशांत अगर कपल थे तो शौविक को ले जाना क्यों बनता है। उसके बाद 8 जून को अगर झगड़ा हुआ था तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें एक या दो दिन बाद बात होनी शुरू हो जाती है, तो किस लेवल का ये झगड़ा था कि सुशांत को अगर हुआ तो इतना स्ट्रेस हो गया, किस चीज़ को लेकर इतनी बातें हुई थी, क्योंकि ये 8 जून के बाद रिया चक्रवर्ती लगातार महेश भट्ट के भी कॉन्टैक्ट में थी, और जैसे कि व्हाट्सएप चैट में हमने देखा कि महेश भट्ट ने रिया को ये कहा था कि आप पीछे मुड़कर मत देखिए। तो ये सारी जो जितने भी स्टाफ के बयान हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर रिया के हर एक एक्शन से जुड़ते हैं।
इसलिए रिया की गवाही भी काफी ज्यादा जरूरी होती है इसमें। जी बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कई सवाल उठ रहे हैं इसमें, कहीं कोई शक नहीं है। क्या रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया जा सकता है, प्रोवोकेशन टू सुसाइड, यानी कि आत्महत्या के लिए एक तरह से प्रेरित करना, क्योंकि अगर झगड़े की बात वाकई में सही निकल कर आती है तो यह मामला भी उठ सकता है। और क्या अपने आप को इसी से बचाने की कोशिश कर रही है, इसकी पड़ताल भी हम करेंगे, अपने तमाम संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। इस बीच सुशांत के साथ को स्टार रह चुके दीपक काजिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 1424 एपिसोड एक सीरीज में काम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक काजिर साहब मौजूद हैं। दीपक जी, ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक लंबे अंतराल तक आपने काम किया, जिस तरह की उनकी शख्सियत रही और जो बातें सामने अब निकल कर आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि एक झगड़ा मात्र काफी हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाना? देखिए, मैं सुशांत को 2009 से जानता था और मैं जब पहली बार उसको मिला तो उसका जो ऑडिशन हुआ था जी, वो मैंने ही लिया था। मतलब मैंने ही लिया था, मतलब मैं डमी था उसमें, और सुशांत के साथ एक और एक्टर था मनोज चंडीला, और मेरे दो बेटे कास्ट होने थे। तो जो है सुशांत का उसमें ऑडिशन था, वो पहली बार मैं उसको उस ऑडिशन में मिला जी। और उसके बाद मैंने लगातार, फिर जब उसका सिलेक्शन हो गया उसके बाद लगातार उसके साथ काम किया 2009 में, और सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल। हेलो जी, बिल्कुल बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, प्लीज बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ। जी जी, तो मैं पहले दिन से उस लड़के को मिला, वो लड़का इतना धैर्यवान, फोकस्ड, एम्बिशियस जी, और लगातार सवाल पूछता था मुझसे, हमेशा कुछ ना कुछ डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता था जी, एक किताब पढ़ता रहता था वो अपनी इंजीनियरिंग की, क्योंकि वो अपना वो पूरा अपना कोर्स पूरा खत्म करके नहीं आया था जी। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है तेरी, ये क्या इंजीनियरिंग की किताब है ये कुछ? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जाके ये अपना ये कोर्स खत्म करना है। खैर हम उसमें नहीं जाते, बिल्कुल। तो मुझे कभी, जब ये मैंने पहली, अच्छा मैं उसको 2000 अभी 3-4 साल पहले तक लगातार उसको मिलता रहा जी। और एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ, हमारे एक कॉमन दोस्त थे महेश शेट्टी जी, या तो उनके घर पे, या एक कॉमन दोस्त थे मानव विज उनके घर पे। तो उस समय वो अंकिता जी के साथ थे जी। जब उनका और अंकिता जी का जब वो ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद उन्होंने, उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो क्या अंकिता जी के ब्रेकअप के बाद, दीपक जी थोड़ा मैं आपको एक सवाल बीच में पूछना चाहता हूं, अंकिता जी के ब्रेकअप के बाद क्या सुशांत ने टीवी की दुनिया से जुड़े अपने दोस्तों से किनारा कर लिया, क्या ये कहा जा सकता है, या दरअसल ये कहा जा सकता है कि शायद उन्हें कुछ नए दोस्त मिल गए? देखिए ऐसा है, सुशांत एक फोकस्ड आदमी था जी, एम्बिशियस आदमी था, मतलब उसको जो है एक दोस्तों के यहाँ मतलब गपबाजी करना या पार्टी बाजी करना, उसको अपना एक ध्येय पूरा करना था जी। उसके लिए वो अपनी एक टीम टीम से जुड़ रहा था, या जोड़ रहा था, या जुटा रहा था। तो जो है वो मुझे उसमें मुझे कहीं कोई गलत नहीं लगता। मतलब हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जो है सालों बाद, 10-10 सालों बाद मिलते हैं, और तो भी मतलब वो जो है कि कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, ना तो हमें बुरा लगता है ना उसको। भाई सब लोग यहाँ अपना अपना काम और अपने अपनी तकदीर जो है, बिल्कुल उसको जमाने आए हैं। दीपक जी, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो आज खड़े हो गए हैं, जो ये कहते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के बड़े अच्छे मित्र हैं, अनन्य मित्र हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें भी सार्वजनिक कर रहे हैं। आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त जो आज खड़े हुए हैं, वो सब वास्तविकता में उनके दोस्त हैं? देखिए मैं इसमें सिर्फ दो दोस्तों के बारे में जानता हूं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं वो उसके अनन्य मित्र थे जी। एक तो महेश शेट्टी, और एक कुशल जवेरी नाम का एक डायरेक्टर था, जो कि उसके साथ रहा भी काफी दिन। जब उसकी जिंदगी में जब मेरे ख्याल में कुछ कोई आया, तो वो अलग हो गया, क्योंकि कुशल जवेरी भी उसके साथ जो जुड़ा था वो अपने किसी खास पर्पस के लिए जुड़ा था जी।
और जब उसका उसको लगा कि भाई मतलब मेरा वो मतलब फिल्म डायरेक्शन का जो वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, सुशांत किसी और रास्ते पे जा रहा है, तो वो कुशल ने अपने आप को उससे अलग कर लिया उस समय। अच्छा। ऐसा मुझे मतलब प्रतीत होता है। मैं जी मतलब श्योर शॉट नहीं कह सकता हूं, इसका जवाब कुशल ही मतलब अच्छा दे सकता है। जी जी, शेट्टी साहब से उनकी दोस्ती आज भी आपको लगता है, मैं जब तक वो जिंदा रहे अच्छी रही, ये आपको लगता है कि वास्तविकता है, क्योंकि आप इस पर विश्वास कर पाते हैं? जी जी जी, मैं क्योंकि आपको याद होगा कि उसने जो है मेरे ख्याल में जो कहते हैं मतलब सो कॉल्ड मतलब जो जो एक बयानात आए हैं जी कि जी महेश, उसने रात को महेश शेट्टी को लास्ट कॉल किया और शायद इसको किया किसी रिया को किया जी। मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूं, मैं मतलब उसमें मैं उसमें नहीं जा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सुशांत एक एम्बिशियस धैर्यवान फोकस लड़का था, वो कभी सुसाइड कमिट नहीं कर सकता। अब इसमें एक बड़ा सवाल उठता है दीपक जी, मेरी अपनी रीडिंग है। बिल्कुल, अब एक बड़ा सवाल उठता है जो मैं आपसे गेस करने के लिए कह रहा हूं। जाहिर से बात है आप उसके उसके बारे में शायद आप बहुत कुछ जानते भी नहीं होंगे। रिया चक्रवर्ती एक अपकमिंग स्टार जो कि अपना करियर बनाना चाहती थी, सुशांत अपकमिंग स्टार जरूर लेकिन अपने आप को स्थापित कर चुके थे बॉलीवुड में, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती क्या सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल कर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रही थी? क्या ऐसा होता रहा है अक्सर बॉलीवुड में? ये अक्सर ऐसा होता रहा है, मतलब रिया कर रही थी या नहीं कर रही थी, मैं इसके बारे में मतलब कोई आपको मतलब पक्की तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा होता है। यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को मतलब सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते रहे हैं, और मतलब इसमें कहीं कोई, और इट्स अ डन थिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मैं कहूंगा कि मतलब ऐसा होता रहा है। बिल्कुल। संदीप सिंह के बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि उनसे बातचीत हो रही थी फिल्म के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, बहुत उत्साहित थे, यहां तक कि अपनी तथाकथित तौर पर मृत्यु या आत्महत्या के दिन से एक दिन पहले तक वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उनकी फिल्म को लेकर। ये दावे आपको सही लगते हैं? देखिए सुशांत मेरा बहुत आत्मीय था जी, आई यूज टू रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, और जब मैंने उसकी इस घटना की खबर सुनी, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक 70 साल का आदमी हूं, मैं जाना चाहता था उसके अंतिम संस्कार में, मैं नहीं गया, और लेकिन जिस तरह मैंने जो टीवी पे देखा कि कैसे एक आदमी पूरा मैनेज कर रहा है, उससे पहले वो कहता रहा कि जी मैं 10 महीने से उससे मिला नहीं, अचानक वो उसने अपने आप को पैरा ड्रॉप किया, पैराशूट से आ गया, अचानक सब कुछ वो जो है मैनेज कर रहा है, आधार कार्ड उसका उसने प्रोड्यूस कर दिया, पैन कार्ड प्रोड्यूस कर दिया, तो ये सब चीजें मतलब सब शक के दायरे में है। और आधे घंटे के बाद उसके जैसे ही मतलब उसकी मौत की खबर आती है, मतलब जो अथॉरिटीज ने ये अनाउंस कर दिया कि ये सुसाइड है। बिल्कुल। और जिस तरह संदीप के बारे में अगर थोड़ा और चर्चा कर लें, मैं क्षमा चाहता हूं, लोगों का जाना या मोर्च संदीप के बारे में क्या कभी सुशांत ने आपसे जो बातचीत हुई उसमें कभी कोई जिक्र किया? क्या संदीप उनके दोस्तों की फहरिस्त में कहीं पर भी थे जब आपसे मुलाकात होती थी? और जी नहीं, मैंने कभी नहीं सुना था, न ही मैंने महेश से उसके बारे में सुना था। मैं मतलब अब अलग से सुशांत अपना एक अपनी एक दुनिया देख रहा था, वो अपने एक अलग रास्ते पे चल रहा था, तो उसके दौरान हो सकता है वो, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि संदीप ने जो टीवी पे जो अपने बयान दिए जी, उसमें वो यही कहता रहा कि मैं तो 10 महीने से मिला नहीं जी, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो अचानक जो है मतलब कहां से आया, कैसे आया। खैर, मैं ये सब जांच का विषय है, और इसके लिए मुझे लगता है कि मैं जो है सीबीआई का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो लोग आए हैं और लेट आए हैं, वो उसके कारण आपको देर आए दुरुस्त आए। दीपक जी,
अब एक सवाल जो हम सबों के जहन में बहुत गूंजता रहा, अब दुरुस्त आए या नहीं सर, मतलब उम्मीद तो है कि दुरुस्त आए साहब, लेकिन एक सवाल जो हम सबों के दिमाग में गूंजता रहा लगातार बीते दो महीने से, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की तथाकथित थ्योरी के सामने आने के साथ ही, यानी कि 14 जून के बाद से लगातार हमने देखा कि एक तबका था जो आत्महत्या की थ्योरी, डिप्रेशन और सुशांत के डिप्रेशन के दौर से गुजरने की बातों को बड़े पैमाने पर सामने रख रहा था, जिसमें महेश भट्ट, उनकी पत्नी, उसके साथ साथ उनके साथ काम करने वाले कई कोर स्टार्स बड़े पैमाने पर ट्वीट भी कर रहे थे और अपनी बातें लिख रहे थे। यहां तक कि दीपिका पादुकोण ने भी लिख दिया, जो शायद बहुत कम जानती थी सुशांत सिंह राजपूत को। ये आत्महत्या की थ्योरी और डिप्रेशन की थ्योरी देखिए क्या एक साजिश है? क्या है, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। क्या है कि हमारे टेलीविजन डिबेट्स में आजकल जो है एक सब्जेक्ट जी व्हाट अबाउट री चलने लगा है। यानी मैं आपसे पूछूं कि ये जो मौसम है ये बहुत बारिश हो रही है जी, तो आप मुझे जवाब में हाँ या ना नहीं कह, अरे मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो कल तो सूरज निकला था। और इसका एक जोक भी है मेरे पास कि एक आदमी साइकिल पे जा रहा था जी, तो उसने तो उसको वहीं एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा अरे भाई साहब आपके साइकिल के पहिए चल रहे हैं जी, तो सामने वाला साइकिल वाला जवाब देता है बजाय कुछ और मतलब साइकिल के बारे में बात करने के, अच्छा तेरी बहन भी तो भाग गई थी पिछले साल। तो ये आजकल टीवी का जो डिबेट है ये इस लेवल का हो गया है, और एक एक खास तरह का एक तबका क्रिएट होता है जो व्हाट अबाउटरी, अब मुझे उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहां। देखिए इसीलिए कम से कम इंडिया टीवी पर हम शोर नहीं मचाते, हम सिर्फ खबर दिखाते हैं। मतलब शोध कीजिएगा दीपक जी, इसीलिए हम कहते हैं हमारा पंच लाइन ये है, हम शोर नहीं मचाते, हम खबर दिखाते हैं, इसीलिए हमने आपसे सीधे तौर पर पूछा। लेकिन ये बताइए कि जैसा आपने कहा अंकिता की बात की आपने, अंकिता के साथ जब सुशांत थे वो दौर और बीते दो तीन साल का दौर जब शायद आप बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं रहे सुशांत के, क्या आपको लगता है कि उनकी जीवन में फर्क बहुत ज्यादा रहा होगा? अंकिता के साथ जो दौर था उनका, उसे आप कैसे आंकते हैं? सर देखिए ऐसा है, मैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होता है और क्या नहीं होता है, खासकर एक 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 पुरुष और एक स्त्री के बीच में, उनके पर्सनल जिंदगी में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुशांत उस समय जब मैं लास्ट मुझे मिला था जी, उस समय वो आदित्य चोपड़ा की एक फिल्म कर रहा था पानी, जिसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर जी, और सुशांत जो है 6-6 घंटे जो मैं जो भी उसके स्टोरी उसने बताई थी मुझे पानी की, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी, लेकिन वो 6-6 घंटे उस पे जो है मेहनत करता था, वो बाकायदा जैसे आप ये समझ लीजिए कि बगैर किसी रस्सी के पोल पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, दो दीवारों के बीच के ऊपर से चढ़ना जी, ये सब वाली जो एक्सरसाइजेज, उसके लिए कोई एक फॉरेन का उसके लिए ट्रेनर बुलाया गया था जी, और वो आदमी इतना फोकस था सर, वो कर रहा था वो। मैं ये नहीं कहता हूं कि दो एक्टर, मैं एक्टर हूं जी भाई, मैं किसी एक्टर के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता कि जी ये एक्टर है तो ये एक्टर है, नहीं, सुशांत एक अलग किस्म का एक्टर था, उसकी तुलना किसी और दूसरे एक्टर से नहीं हो सकती। बिल्कुल दीपक जी, मैं इसके खिलाफ हूं सर। बिल्कुल नहीं दीपक जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, काफी सारी बातें आपने कही जो कि कई सारी चीजों से पर्दा हटाती है, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद क्या सुशांत के मर्डर की स्क्रिप्ट पहले से तैयार हो गई थी, बने रहिए हमारे साथ।